हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो का टॉपिक है, कितना लोग खोजते हैं यूट्यूब पे चाहे गूगल पे कि THK जैन कॉलेज कैसे जाए। तो आप लोग को अगर ये वीडियो देखना है कैसे जाए तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखिए, और अगर हेल्पफुल होता है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। शुरू करते हैं अभी का सफ़र। तो ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर है और फ्रेंड्स भी है जो कि अब हमारे साथ जा रहे हैं कुछ रास्ते तक, और फिर वहाँ से हम लोग का रास्ता अलादा हो जाएगा। ये अपने स्कूल जाएंगे और मैं अपने कॉलेज। फिर मिलते हैं वीडियो के आगे में, पूरा वीडियो देखिएगा। तो हम लोग अभी जो है पहला रूट पे पहुँच चुके हैं, पहला स्टेट में पहुँच चुके हैं, और ये रहा सामने सिटी सेंटर। ठीक है, सिटी सेंटर 2, यहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे और सीधा डनलप उतरेंगे। आप लोग कहाँ से हैं कॉमेंट कीजिएगा, मैं उस जगह का रूट बता दूंगा आप लोग किस प्रकार से जा सकते हैं। अगर आप लोग एयरपोर्ट से है तो वहाँ से भी बस मिल जाएगा, आपको डनलप ही उतरना है। ठीक है, इस रूट का जितना भी चीज़ है आपको डायरेक्ट डनलप उतरना है। और अगर आप विधाननगर से है चाहे फिर हावड़ा से है या फिर आउट ऑफ कोलकाता से है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, मैं उसका अनिवार्य कर दूंगा। और लास्ट में कुछ बोलूँगा वो ध्यान से सुनिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, इसका जो फ्रेंड है ये बोला कि भैया अपने चैनल पर जो है एक ब्लॉग बनाई है कि THK जैन कॉलेज कैसे जाए, इसलिए मुझे एक कंटेंट भी मिल गया और एक टॉपिक भी मिल गया। तो मैं स्पेशली इसको थैंक कहता हूँ, और इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं इसको भी थैंक्स बोल देना यार, इसके वजह से तुमको कंटेंट मिल रहा है और ये तुमको पहुँचाने का बहुत कोशिश कर रहा है। तो अगर चैनल को अच्छा लगे तो ही विजिट करना, और बस क्या ही कहूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो एक खास नोटिस है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग सिटी सेंटर 2 चिनापार हल्दीराम या एयरपोर्ट इलाके में रहते हैं तो वहाँ से मैक्सिमम बस जाने वाला जो रहता है वो आपको डनलप लेके जाएगा। तो आप लोग के लिए टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, और रहा आउट ऑफ वाला, तो जैसे कि आप लोग विधाननगर फिर सियालदह चाहे हावड़ा इस सब में अगर रहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं वो रूट भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अब हम लोग को बस मिल चुका है और अब हम लोग सीधा रवाना हो जाएंगे डनलप के लिए। ठीक है, डनलप पे पहुंचने के बाद कहाँ पे जाना है कैसे जाना है ये आपको वीडियो में बताएंगे, देखते रहिए। तब तक रास्ते का इंतजार। फाइनली हम लोग डनलप आ चुके हैं और ब्रिज के ऊपर में हैं, और अब हम लोग जो है ये रास्ता पकड़ के ब्रिज के नीचे जाएंगे, और नीचे जाते थोड़ा सा हम लोग को चलना पड़ेगा, और मेन रास्ता पर उठने के बाद आपको दूसरा बस पकड़ना है जो कि आपको चिड़िया मोड़ लेके जाएगा। अगर चिड़िया मोड़ कोई देखता है तो आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर देखे हुए रहेंगे चिड़िया मोड़ तो आप डायरेक्ट चिड़िया मोड़ से अपने डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। तो मेन कॉलेज का जो इलाका है वो चिड़िया मोड़ है, और चिड़िया मोड़ से आप वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं चाहे ऑटो भी कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग जब ब्रिज से नीचे उतर रहे होंगे तो आपको दो रास्ता सामने से दिखेंगे, एक इस साइड जो कि आपको आगरपारा की तरफ लेके जाएगा, और एक इस साइड जो आपको चिड़िया मोड़ की तरफ। तो आपको इस साइड जाना है चिड़िया मोड़ की तरफ, और ये आपको ये वाला ब्रिज दिखेगा। ठीक है, तो ये ब्रिज के नीचे से ही आपको बस मिलेगा। तो हम लोग चिड़िया मोड़ आ चुके हैं, और जिस साइड आपको बस उतारेगा उसके ठीक अपोजिट साइड में आपको जाना है, और एकदम सोझा आप चाहते हैं तो वहाँ से ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो कीजिएगा तो आपको 12 रुपये लगेगा, और आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 5 मिनट का रास्ता है पैदल से। तो आप लोग सजेस्ट करता हूँ अगर समय ज़्यादा हो तो पैदल ही चले जाइए, पैसा का पैसा भी बचेगा, प्लस थोड़ा
एक्सरसाइज भी हो जाएगा। और हाँ, आप जब जंगल से बस पकड़ेंगे तो मैक्सिमम कोई भी बस आपका जो है चिड़िया मोड़ आता है, आप इजीली वहाँ से कोई भी बस पकड़ कर चिड़िया मोड़ आ जाइएगा। तो फाइनली अब हम लोग कॉलेज के पूरे तरीके से करीब में आ चुके हैं और अब हम लोग जो है गली के अंदर घुसेंगे जो कॉलेज के तरफ जाएगा। फाइनली जो गेट दिख रहा है वो आपका जैन कॉलेज है। हालांकि आपको जर्नी कैसा लगा? बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा। कॉलेज कैसा लगा? बहुत ही अच्छा कॉलेज, एक नंबर कॉलेज। कॉलेज के अंदर तो घुसने दे दिया भाई साहब को, ठीक है, आई कार्ड और रहा मेरा भी आई कार्ड, हम बिना लिए चले गए कॉलेज, मेरे को भी नहीं घुसने दे रहा था यहाँ तक की। लेकिन हमको फॉर्म फिलअप देना था इसीलिए एडमिट कार्ड देख कर हमको अलाउ कर दिया। और रहा पहला बात कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने बताया था वीडियो के शुरू में ही कि मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। जैसे कि आप लोगों को अपने कॉलेज का आई कार्ड कैरी करना मस्ट है। अगर आई कार्ड नहीं लेते हैं या एडमिट कार्ड नहीं लेते हैं तो ये कॉलेज स्ट्रिक्ट है, रुकने नहीं देगा। सोचो मैं यहाँ का कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मेरे को घुसने नहीं दिया, तो फिर यार आप लोग बाहर से हो तो आप लोग को भी नहीं दिया। तो फिर और रहा, हम लोग को यहाँ पे टोटली एक घंटा लगता है पूरा कॉलेज में पहुँचने का सिटी सेंटर 2 से, लेकिन आज बस इतना रुक रुक के चल रहा था, मतलब क्या ही बताएं। मतलब हम लोग को एक घंटा 40 मिनट लगा, यानी हम लोग को 40 मिनट का मतलब बेफिजूल का वक्त गवाए। तो इसीलिए कहीं भी जाने से पहले एक घंटा चाहे आधा घंटा पहले निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में लेट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग आपका फिक्स रहेगा, आपको पहुंचना पड़ेगा ना सामने से। इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यही बात था कि आप लोग टोटल डेढ़ घंटा पहले निकले अपने एग्ज़ाम टाइम से। जैसे कि आप लोग का 11 बजे से है तो 8:30 बजे से निकल जाइए, क्योंकि गाड़ी कभी लेट आता है, चाहे भीड़ रहता है या मिस हो जाए, इस तरीके का समस्या होते रहता है, जो कि आज हम लोग के साथ हुआ है। तो फिर अगर वीडियो को पसंद आया, हेल्पफुल आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप लोग अगर इस साइड से रहते हैं आप लोग कैसे जाएंगे। जैसे कि आप लोग उल्टा डगा से जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये 32201S58, ये आपको डायरेक्ट पहुँचा देगा चिड़िया मोड़, ठीक है। और रहा सियालदा से तो आपको 230 या 234 या K4 आपको डायरेक्ट पहुंचा देगा चिड़िया मोड़। और अगर धर्मतल्ला से आ रहे हैं तो 234/1 या AC20 बस जो है वो चिड़िया मोड़ आता है, और बाकी बात कई सारे बस आते हैं लेकिन मैंने इस बस का सजेशन किया है। और अगर आप लोग कॉलेज स्ट्रीट से आ रहे हैं, क्योंकि आपका कॉलेज भी कॉलेज स्ट्रीट है तो काफ़ी बंदा वहीं से आएंगे, तो 30A 78/1 214 या फिर S57, ये बस जो है आपको डायरेक्ट चिड़िया मोड़ भी लेकर आएगा। और अगर सुबह की तरफ हो तो शायद ये 78/1 जो है वो कॉलेज के पास ही उतरता है, तो जैन कॉलेज अगर बोलेगा तो वहाँ पे उतर जाइएगा, नहीं तो चिड़िया मोड़, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों साइड से जाता है। तो वीडियो यहीं तक था, अगर हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। और स्पेशली आपके जो दोस्त सोनू है, सोनू ठाकुर, उसको स्पेशली थैंक यू कहता हूँ कि मुझे इस वीडियो को बनाने का एक मौका मिला और उसने मुझे सजेस्ट भी किया।